फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वुड के टुकड़े से ड्यूटियल्स किचन। तो हम पर्पल कलर से इसको पूरी तरह से पेंट कर देंगे। तो ये लो, अब हमने पूरा कर दिया इसको कवर और इसको थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छे थीम का कलर आए। और इस साइड भी हमने अच्छी तरह कर दिया, पर इस साइड हम पहले लाइट पर्पल बाद में वाइट नीचे से इसको अच्छी तरह थीमाना चाहिए। तो ये मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया है। तो अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। तो ये अच्छी तरह सूख गया और मैंने यहाँ पे साइड में भी ब्लैक कलर अच्छी तरह कर दिया क्योंकि यहाँ पे पहले ब्लू कलर था। तो मैंने तो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले इस पर पीछे सिलो को ड्रॉ। तो इसके बाद में हम इसको पूरा अच्छी तरह ब्लैक कलर से कवर कर देंगे और जो यहाँ पे ब्लैक साइड में हम गोल्डन कलर से कवर कर देंगे वो भी दोनों साइड। तो ये इस साइड हम अपने बहुत अच्छे नोट्स वगैरह भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने तो जंगकुक का नोट्स लिखने की सोचा है, पर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते। तो ये मैंने यहाँ पे ऊपर का वायर लिया है और उसके अंदर डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह राउंड स्क्वायर की तरह यूज़ करके बाद में इसको ऊपर से नोट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नोट में इसके आप भी कर लो इतने में। तो ये जो पीके मतलब की किचन बना रही हूँ उसको हम ऊपर से ऐसे नोट की तरह टाइप भी कर देंगे और इसके अंदर जो है वो अंदर डाल देंगे। ये किचन है जो कि हम इसके अंदर फिट कर देंगे। और तो अब हम बनाने वाले हैं BTS के नाम, ताकि वो अच्छी लगे। तो ये मैंने BTS के नाम सभी स्टेचू नाम्स लिखे हैं BTS मेंबर्स के। तो आप चाहो तो उनके रियल नाम भी लिख सकते हो। तो ये मैंने डबिंग राइटिंग से की है जिससे मतलब जैसे बच्चों की तरह होता है वो ज़्यादा क्यूट लगता है। तो ये मैंने अच्छी तरह सभी ड्रॉ कर लिए हैं। ये जो डबिंग जो राइटिंग होती है बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, अगर आप चाहो तो इसे बना सकते हैं। और ये सभी हो गए हैं कवर। अब हम इसको करने वाले हैं जो स्केच से कवर मतलब अंडरलाइन यूज़ करेंगे, बाद में इन सभी को कलरफुल कलर से कलर कर देंगे, मतलब सभी को कलर कर देंगे। तो ये रहा है हमारे सभी कलर। तो नहीं है, मैंने अभी आपको थोड़े दिखाए हैं पर मैंने सभी कलर यूज़ किए। तो इनको कट कर दिया अच्छी तरह। बाद में जो ये की टेप है इसके ना डबल साइड टेप है, तो हम इसके एक साइड से निकाल लेंगे और सभी को एक एक करके चिपका देंगे ग्लू से। तो ये सभी चिपकाने के बाद में जो इसके ऊपर की शीट होती है वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये लो फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट वाला पार्ट नहीं दिखाया पाई, सॉरी। किचन बन के क्या रहता, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो अच्छा लगा है तो घर पे प्लीज़ ट्राई करना। थैंक यू।